गाइज गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माई चैनल राजस्थान लाइव विद प्रिया। कैसे हैं आप? आज मैं लेकर आई हूँ आपके साथ मैं करवा चौथ का ब्लॉग। तो हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू। तो अभी हो चुकी हूँ मैं रेडी और आज मॉर्निंग से लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा पानी प्यास लग रही है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली पीते रहते हैं तो आप उस चीज़ का आपको एहसास नहीं होता। तो मैंने यही वाला सूट यहाँ पुटअप किया है और यह सिल्क का सूट जो मैं अपने घर से परचेस किया था, तो आज न्यू कुछ पुटअप करना था तो इसलिए मैंने कर लिया है। और उसके बाद में हम लोग करेंगे डेकोरेशन। थोड़ी सी लड़ियाँ ली थी इसीलिए, तो हम लोग उसकी डेकोरेशन करने वाले हैं फ्रंट पे उस साइड में। तो जो पूजा का घर है उस साइड में हम लोग लड़ियाँ लगाएंगे। तो उसके बाद मैं फिर आपसे चलती हूँ और जो जो अपडेट होगी मैं आपको देती जाऊँगी। तो मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पे मार्केट में शॉपिंग करने आए हैं और परचेज़ कर रहे हैं साड़ी, क्योंकि जब आप करवा चौथ का व्रत रखते हो तो आपको वहाँ पे साड़ी मस्त नहीं होती है। तो हम यहाँ परचेज़ कर रहे हैं साड़ी। आए हैं ये वाली माला जो हम करेंगे डेकोरेशन करवा चौथ के लिए। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इनकी शॉप पर, छोटी छोटी शॉप है इनकी। तो हमने ये वाला जो कलर है रेड और येलो, ये वाला डिसाइड किया है लेने के लिए। और इसमें काफ़ी प्यारे प्यारे कलर ऑप्शन है, बट ये हमें प्लेन में चाहिए था बट नहीं मिला है हमें। तो वी आर गोइंग फॉर दिस। अमेज़ोन से रिसीव हुए हैं ये प्लांटर, क्योंकि मैंने लिए थे 3 प्लांट और उसको मैं इसमें करूँगी। और ये प्लांट काफ़ी अच्छे हैं, बस इसमें हल्का सा एक पॉइंट है, इसमें मुझे इसके जो ब्लैक वाले होल्डर हैं जो वो रिसीव नहीं हुए हैं। तो इसके बाद मैं इसमें प्लांट लगा दूँगी। लड़ी ये हैं 5 और 5 हैं येलो, और इसकी डेकोरेशन करने वाले हैं अभी और फ्रंट वॉल पर जहाँ मैंने आपको बताया था। तो उसके बाद में ये हमें 40 रुपीज़ पर पीस पड़ा है और इसको हम अभी डेकोरेट करते हैं और फिर आपको उसके बाद दिखाएंगे कि किस तरीके का ये लगने वाला है। तो फाइनली हमारी हो चुकी है यहाँ पर डेकोरेशन डन, और हमने ये परचेज़ किए थे रेड एंड येलो फ्लावर एंड येलो का एक, तो हमने अप डाउन करके पोजीशन में ये यहाँ से इस तरीके से लगाए जो काफ़ी क्यूट लग रहे हैं। जो पिक्स आएंगी वो बहुत अच्छी होंगी। और ये पूजा का जस्ट आउटर एरिया है, ये जो वॉल थी जो मेरे रूम के जस्ट फ्रंट पर पड़ती है, तो बहुत ही अच्छे पिक्स आने वाले हैं। और कमेंट करके बताइएगा कैसे लग रहा है। और इसको हम अभी रिमूव कर देंगे करवा चौथ के टाइम, और क्योंकि हम उसके बाद सफाई करेंगे, उसके बाद हम हटा देंगे और फिर दीपावली पे से फिर से कुछ ना कुछ यूनिक करके से यूज़ करेंगे। तो मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में। तो फैमिली यहाँ पे हो चुकी हूँ मैं रेडी, और मैंने ये पुटअप की है साड़ी जो है प्योर सिल्क की। और आज मेरा लुक थोड़ा डिफरेंट है और मैंने यहाँ बैंगल्स पुटअप किए हैं और मैंने कोई रिंग अभी नहीं डाली है, मैं बस नॉर्मल इयर रिंग्स वगैरह सब फुल है। और मैंने जूड़ा लगाया है एंड उसमें रोज़ वाला जो
है वो मैंने सब कर लिया है, मैं यहाँ फुल रेडी हो चुकी हूँ। तो अभी मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। अभी हो चुका है पूजा का टाइम, तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने। तो पूजा के थाली लगाएंगे और उसके बाद करेंगे पूजा, और उसके बाद चांद निकलने का भी थोड़ी देर में टाइम हो जाएगा। और ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि गला जो है बहुत मॉर्निंग से सूख रहा है, और मोस्टली ऐसा होता है बच्चों बच्चे लोग पानी पीते हैं तो उसको देख के और ज़्यादा मन करता है कि काश मैं भी पानी पी लूँ। तो उसके बाद और ये जो डेकोरेशन की है उसके पास भी हम लोग शूट करेंगे, एक दो पिक्स वगैरह क्लिक करेंगे और थोड़े रील्स बनाएंगे। और अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाके फॉलो कीजिए। तो अब पूरा लुक जो है मेरा आज का, और उसके बाद करते हैं थाली की तैयारी। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। साहूकार के साथ लड़ गए थे और एक लड़की थी सेठानी के सहित, उसकी बहुआ और बेटी करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे और अपनी बहन को भोजन के लिए कहा। पर इस पर बहन ने कहा, आज मेरा व्रत है, वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई ने अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई, वह दो दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है, और ऐसा ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी उसका चांद हो। उसे देखकर करवा उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाते हैं। जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसे बाल निकल जाता है, और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार मिलता है, जिससे वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है, तो ऐसा ऐसा क्यों हुआ? व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता ने उस पर नाराज हो गए। इस पर करवा निश्चित करती है, वह अपने पति के अंतर्संस्कार नहीं करेगी और सत्यत्व से पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे एक साल तक अपने पति को सबके पास बैठी रहती है और देखभाल करती रहती है। उसके ऊपर सुईनुमा घास तक एकत्रित हो जाती है। एक साल बाद फिर करवा चौथ आता है, वह व्रत रखती है और शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पीयू सुई दे दो, मुझे अपनी जैसे सुहागिन बना दो, लेकिन हर कोई मना कर देती है। आखिर एक सुहागिन उसकी बात मान लेती है। इस तरह उसका व्रत पूरा हो जाता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसी कथा को कुछ अलग तरीके से महिलाएं पढ़ती हैं। तो यहाँ पूजा हो चुकी कंप्लीट एंड चंद्रमा भी आ चुका है टाइम के एग्जैक्ट टाइम पे। अप्रोक्सीमेट टाइमिंग था जो था वो 9:30 था, तो उस टाइम आ चुका है, अर्घ दे चुका है। उस टाइम बज रहा है 10:30। तो हम लोग अभी करने जा रहे हैं डिनर रात के, अभी 10:30 बज रहे हैं और देखते हैं यहाँ पे काफ़ी टाइम तक ओपन रहता है रेस्टोरेंट वगैरह। तो मन करा है कहीं ढाबे पर जाने का और फूड इंजॉय करने का डिनर। और आज फुल डे इतना एनर्जी लो रही है मेरी बहुत ज़्यादा, और आप यकीन नहीं मानेंगे मैं बिल्कुल भी कैप्चर करना नहीं चाह रही थी आज। मुझको बोलते हैं भी थोड़ा जीव सा लग रहा था। अब तो मैंने पानी भी पी लिया है हल्का सा, मुंह भी मीठा कर लिया है,
तो अब डिनर करने चलते हैं और उसके बाद मैं करती हूँ आपसे बात। तो अभी मैंने जो हैवी वाला जो सेट था वो हटा लिया है और ये लाइट पहन लिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी था, तो इसीलिए ये इस तरीके से हम लोग चलने वाले हैं अभी और उसके बाद आपसे करती हूँ बात। तो गाइस दैट्स ऑल इट, ये था मेरा आज का करवा चौथ का ब्लॉग। अगर आपको थोड़ा सा ही पसंद है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय गाइस, हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू, बाय। लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैन करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।